भाई, यस बैंक के क्वार्टर वन के नतीजे आ गए हैं। नतीजे कैसे रहे हैं? काफी पॉजिटिव बातें तो सुनने में आ रही हैं कि 50% का सर्ज है इनके बॉटम लाइन में, लेकिन क्या वाकई में रिजल्ट अच्छे हैं? और क्या क्या डिटेल्स दी गई है, क्या क्या हाइलाइट्स रहे हैं? इन तमाम चीजों में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि काफी चीजों पर आपके साथ मैं इसमें चर्चा करूंगा, तो प्लीज अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है यस बैंक के अच्छे दिन शायद आ चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, रिजल्ट लाख में है तो 2 परिणाम इधर रखना पड़ेगा। तो अब चलते, देखिए सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अर्न में। तो इंटरेस्ट अर्न A+B+CD ये कितना रहा है? तो देखिए, ये 5,134 करोड़ रुपीज रहा है, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों था 4,947.53 करोड़। यानी क्वार्टर क्वार्टर में आपको साफ जंप देखने मिल रहा है, और जो एक साल पहले इस समय था 4,552 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी जंप है, मोर देन 10%। बात करते हैं इंटरेस्ट डिस्काउंट और ऑन एडवांसेस बिल्स की, ठीक है, इंटरेस्ट डिस्काउंट और एडवांसेस बिल की। देखिए तो ये कैसा रहा है? तो ये रहा दोस्तों 4,033.58 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3,890 करोड़ रहा है। दोस्तों 0.9, आप कह सकते हैं 3,891 करोड़ था, और ईयर ऑन ईयर भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इन्वेस्टमेंट में इनकी इनकम बढ़ी है, तो हाँ दोस्तों बढ़ी है, 784 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 770.89 करोड़ रहा है, और उससे पहले 617.38 करोड़ रहा है। यानी आप देखिए, आपको साफ साफ में जंप देखने मिल रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो पैसा इनके पास रिजर्व RBI के पास रखा हुआ है, उसमें क्या इंटरेस्ट इनको मिला है बैलेंस में RBI और अदर इंटर बैंक ऑफ फंड्स में। तो ये इस बार दोस्तों रहा है 242.33 करोड़, जो पिछली बार 207.53 करोड़, यानी यहां भी जंप है, और 153 करोड़ एक साल पहले थी, यानी यहां भी अच्छी खासी जंप है, ठीक है। अब बात करूंगा कि भाई साहब अदर्स अदर्स क्या रहा है इनका। तो देखिए, अदर्स में देखेंगे 74.9590, आप कह सकते हैं 75 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार 78 करोड़ था, ठीक है, और उससे पहले 92 करोड़ था। यानी इसमें हल्की फुल्की आप गिरावट देख रहे हैं। अदर इनकम देखेंगे तो ये 781 करोड़ रहा है, जो पिछली बार था 881 करोड़। यानी यहां पे आप कह सकते हैं गिरावट देखने को दर्ज करने को मिल रही है, और एक साल पहले 869 करोड़ था, यानी यहां पे भी गिरावट है। और जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो जो टोटल इनकम इनके पास मिलती है दोस्तों 5,916.28 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 5,829.22 करोड़ थी, और एक साल पहले 5,394.44। यानी आप देखिए, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही आपको इसमें जंप देखने मिलेगा। यानी बैंक ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन सिर्फ यहां से पता नहीं चलेगा दोस्तों, एक्सपेंसेस कैसे रहे, इंटरेस्ट कितना पे हुआ है, ये तमाम चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हमें देखना पड़ेगा। तो भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या रहा है? तो ये रहा है 3,284.57 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3,128.05 करोड़ था। यानी यहां पे आप एक इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा, इन एक्सपेंडेड जो खर्चे हुए हैं वो बढ़े हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे 1 और 2, जो कि क्या है, दिस एंड दैट, क्या क्या ये रहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 2,041.88 करोड़, जो पिछली बार मात्र 1,926.94 करोड़ थे, और उसमें भी जो बढ़ोतरी देखने मिल रही है, ये पेमेंट टू एंड प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, वो 827.13, जो पिछले क्वार्टर में 771.89 थी, ये जंप है। ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जंप है, लेकिन हाँ, फ्लैटेस्ट तरीके से जंप आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे बात करूंगा अगर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो ये इस बार 1,214 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 1,155.05 करोड़ रहा है। ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ज्यादा है। और फिर जब आप टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसीज, आपको दिखेगा कि जो खर्चे हैं दोस्तों, एक्सपेंडिचर 5,326.45 करोड़ रहे, जो पिछले क्वार्टर में 5,055 करोड़ थे। यानी यहां पे भी आपको साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है। तो ये कमाया है 310 करोड़ रुपए दोस्तों, 310 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 367 करोड़ था,
0.46 था, ये घट गया है दोस्तों ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20% के आसपास, क्या कह सकते हैं 70-80% आसपास का आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं भाई बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं एनालिटिक रेशियोज को देखते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रहा है जो कंपनी मतलब बैंक को रखनी पड़ते हैं कैश, 17.4 से ही बढ़ के 17.5% हो गया है, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड, वेरी गुड, ये काफ़ी अच्छा है। अब जिस पे सबकी नज़र है एनपीए जीपीए, तो देखते हैं ये एनपीए जीपीए का क्या हाल इनका। तो देखिए अब है डायल्यूटेड, देखिए डायल्यूटेड ईपीएस 0.15 से घट के 0.12 हो गया, विच इज़ फाइन। इस बैंक के लिए ये चीज़ें इतनी घाट उतनी नहीं है प्रॉब्लमेटिक जितनी कि हमें देखनी है कि भाई साहब इनका जो रेशियोज एनपीए वो कैसा रहा है। तो देखिए ग्रॉस एनपी परसेंटेज 13.93 से घट करके 13.45% हो गया है, यानी कमी आई है, बहुत अच्छी चीज़ है। नेट एनपीएस का 4.53% से घट करके 4.17% हो गया सिर्फ, यानी यहाँ पे भी गिरावट है दोस्तों। यानी ये दोनों ही चीज़ें जो अभी बैंक को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा आशंकित हैं उसमें गिरावट होना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मुझे लगता है, ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखिए 1.28 घट करके 1.21 हो गई है, ऑल्सो फाइन। यानी हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे कंपनी ने बैंक ने काफ़ी अच्छा किया है। हाँ आप मान सकते हैं कि भाई हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है यहाँ पे आपको गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे बहुत बहुत ज़बरदस्त जंप है दोस्तों। लेकिन ये बैंक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे कंपेयर करना ज़्यादा सही होता है ना कि ईयर ऑन ईयर के दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ बैंक बहुत अच्छा किया दोस्तों मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं पर्टिकुलर्स की, तो देखिए ये भी लैक में है। तो देखिए कैपिटल आप देखिए 5,011 करोड़ था जो पिछली बार अगर आप इसी समय देखेंगे पिछले क्वार्टर में देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये इस बार 5,010 करोड़ था। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो पिछली बार दोस्तों पिछले क्वार्टर में 2,873 लगभग थे, ठीक है, माफ कीजिएगा 28,730 करोड़ थे, वो बढ़ करके दोस्तों इस बार 29,138 करोड़ हो गए। रिजर्व सरप्लस में आपको बढ़ोतरी, डिपॉजिट्स देखेंगे तो ये दोस्तों आप देखिए 19,719 करोड़ हो गए से कह लीजिए घट करके 19,324 हो गए दोस्तों, ठीक है, माफ कीजिएगा 19,000 नहीं होगा दोस्तों, ये टू पॉइंट है 1,97,191 करोड़। ये जो दोस्तों इतनी बड़ी रकम इन लोग लाख में लिखते हैं मेरे को ना एक ये समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों करते भाई, आपको मतलब सामने लोग पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। और देखिए जो बोरोइंग्स यानी बोरोइंग्स है बैंक के वो कैसे रह गए, तो देखिए 72,204 करोड़ रुपीज जो पिछले क्वार्टर में 70,697 करोड़ हो गए अब, यानी बोरोइंग्स में आपको कमी देखने को मिल रही है। और टोटल आप देखेंगे तो आपको इसमें टोटलिटी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया ये तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की थी, अब इनके फिक्स, अब देखते हैं एसेट्स के बारे में बात करें। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, कैश और बैलेंस जो आरबीआई के साथ इनके पास है, तो दोस्तों ये आप देखिए घट गया है, कैसे घट गया है आप देखिए 4,34,000 नहीं दोस्तों ये लाख में है तो हमें 2 पॉइंट इधर रखना पड़ेगा, तो 43,452 करोड़ रुपीज से ये घट करके दोस्तों आप देखिए 26,282 करोड़ रुपीज हो गया है, ठीक है। यानी आरबीआई को दिया गया पैसे में अब कमी आई है। बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस, तो देखिए ये भी घटा है, ये दोस्तों 3,187 करोड़ से घट करके 2,284.61 करोड़ हो गया है। फिक्स एसेट में साफ साफ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। और एडवांसेस दोस्तों एडवांसेस देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको जंप देखने मिलेगा, ठीक है। यानी इनके जो टोटल आप कह सकते हैं जो एसेट्स हैं इसमें भी एक आप कह सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर में एक फ्लैटी सी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ठीक है, कोई एकदम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बढ़ोतरी हुई है, ठीक। ये तो हो गए बैंक के अंदर। बैंक दोस्तों अब बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे ना बैंक काफ़ी अच्छा हो गया दोस्तों। और देखिए इसमें इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, आप पढ़िए इधर, द बैंक हैड साइंड अ बाइंडिंग टर्म शीट विद पार्टनर जेसी फ्लावर टू फॉर्म एन एआरसी विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग आइडेंटिफाइड पूल ऑफ अप टू 48,000 करोड़ ऑफ स्टेट एसेट ऑफ द बैंक। स्विस चैलेंज ऑक्शन हैज सिंस बीन लॉन्च्ड विद जेसी फ्लावर विद द बेस। जेसी फ्लावर के साथ दोस्तों इनका जो टाई अप हुआ है उसके बारे में बात चल रही है,
ठीक है। अब अगर मैं आपको इस बैंक की हाइलाइट्स दिखाऊं, क्योंकि देखिए हाइलाइट्स दिखाएंगे कि भैया किस तरह इनकी बैंक रहे, तो उसके लिए हमको नीचे चलना पड़ेगा काफी। तो प्लीज बियर विथ मी, मेरे साथ जुड़े रहें इसमें, जिसमें हम बात करेंगे भैया इस बैंक की हाइलाइट्स की। तो देखिए, द बैंक हैज सक्सेसफुली कम आउट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम विद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल्टरनेट बोर्ड विद इफेक्ट ऑन July 15, 2022 परसू टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ठीक है, द न्यू बोर्ड हैज रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रशांत कुमार एज MD एंड CEO फॉर 3 ईयर्स। और दोस्तों ये बहुत ग्रेट न्यूज है, प्रशांत कुमार जी को 3 साल का और एक्सटेंशन देना, विच इज वेरी गुड। लेकिन देखिए सब्जेक्ट टू अप्रूवल है जीसी आपके लिए RBI से, लेकिन जहां तक है ये मिल ही जाएगा। आगे है देखिए, साइंड अ बाइंडिंग टर्म शीट विद पार्टनर JC फ्लावर टू फॉर्म ARC विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल ऑफ आइडेंटिफाइड पूल ऑफ नियरली 48,000 स्ट्रेस एसेट। 48,000 के स्ट्रेस एसेट को सेल करने के लिए इन्होंने ARC फॉर्म की है JC फ्लावर के साथ मिलकर के। ठीक है, अब जो मैं आपको 50% की जंप बोल रहा था दोस्तों, वो क्या है अब आपको पता चलेंगे। देखिए, प्रॉफिट एट 311 करोड़ इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 23 ग्रो 50% ईयर ऑन ईयर। साल दर साल में 50% की जंप है दोस्तों, ठीक है, विच इज वेरी फाइन। नेट इंटरेस्ट इनकम रुपीज 1,850 करोड़ ग्रू 32% ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एट 2.4% अप नियरली 30 बेस पॉइंट ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट रुपीज 590 क्रॉस क्वार्टर 23 एक्सक्लूडिंग रिलाय एनालाइज गेन टू इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू 33 ईयर ऑन ईयर। टोटल प्रोविजन कॉस्ट क्वार्टर वन ऑफ 23 इन रुपीज 175 करोड़, डिक्लाइन 62% ईयर ऑन ईयर, प्राइमली एडेड बाय लोअर स्लिपेज। स्लिपेज में कमी आने कारण जो प्रोविजन कॉस्ट दोस्तों 62% घटी है ईयर ऑन ईयर। और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, सस्टेन डिपॉजिट ग्रोथ इन डिपॉजिट एंड ग्रैनुलर एडवांसेस। एडवांसेस अप 14% ईयर ऑन ईयर, जो एडवांसेस वो भी 14% बढ़े ईयर ऑन ईयर। डिपॉजिट में 18% ईयर ऑन ईयर की, बैलेंस शीट 17% बढ़ी ईयर ऑन ईयर, ठीक है। यानी आप देखिए बहुत ज्यादा शानदार है। रिटेल एंड SME कॉर्पोरेट मिक्स इंप्रूव बाय 240 बेसिस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर 38, ठीक है। रिटेल MSME और कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट को जो हम लोन देते हैं उसका रेशियो भी काफी अच्छा रहा है दोस्तों, 62% जो है आप कह सकते हैं ये रिटेल और MSME को दिया हुआ है और कॉर्पोरेट को 38%। कासर रेशियो यानी आपके करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो में आप कह सकते हैं 30.8% वर्सेस 20.4% क्वार्टर वन 22, 340 बेसिस पॉइंट का आपके लिए बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह 27.4% थी, अब बढ़ के 30.8% हो गई है। एसेट क्वालिटी में साफ साफ इंप्रूवमेंट मैंने आपको वहीं बताया था, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं। यानी आप देखेंगे कि ओवरऑल जो दोस्तों ये है कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए ईयर ऑन ईयर तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा धक्का लगा है, कई जगह कमी आई, लेकिन फिर भी अच्छे हैं दोस्तों मेरी नजरों में, तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब शेयर बाजार किस तरह इसको करता है, किस तरह रिएक्ट करता है, हमें उस समय देखना पड़ेगा। कमेंटिंग ऑन द रिजल्ट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रशांत कुमार MD एंड CEO यस बैंक सेड, क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 23 हैज बीन अ स्टेबल क्वार्टर विद प्रोग्रेस अक्रॉस फ्रेश डिस्बर्समेंट मोमेंटम, इंप्रूविंग ग्रेनुलाइजेशन ऑफ एसेट्स, स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी मेट्रिक्स। द बैलेंस शीट इज नाउ रेजिलियंट टू नेविगेट द वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट एंड द बैंक रिमेन्स ऑन ट्रैक टू अचीव द फाइनेंशियल 23 एज वेल एज मीडियम टर्म गाइडेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। मोर इंपॉर्टेंटली, ड्यूरिंग द क्वार्टर द बैंक हैज सक्सेसफुली कम आउट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम विद फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेट बैंक ऑल्टरनेट बोर्ड। इन एडिशन, टर्म शीट हैज बीन साइंड फॉर सेल ऑफ आइडेंटिफाइड पूल ऑफ स्ट्रेस एसेट आउट ऑफ द ARC। सक्सेसफुल सेल ऑफ स्ट्रेस एसेट विल बी द लार्जेस्ट सच डील इन इंडिया एंड सेकेंडरी मार्केट बैंक न्यू जर्नी। यानी इसकी अगर मैं आपको पूरी बात की निचोड़ बताऊं, हम हर जगह काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, स्टडी ग्रोथ हो रही है, सबसे बड़ी जो आपके हाईलाइट रही है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो चीज है उनका बनना रहा है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।